लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। अब तक किसी एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस को जीत मिलती नहीं दिख रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया अलायंस को 145 सीटों का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती है। क्या एनडीए एक बार फिर अपनी सरकार बना पाएगी या इंडिया अलायंस गठबंधन बहुमत तक पहुंच पाएगी, जानने के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। देश में 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। एनडीए और इंडिया अलायंस अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। अगर सभी सीटों का आकलन करें तो हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वही राजस्थान में 25 सीटों में से 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल के मुताबिक बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में एनडीए को 29 सीटों का नुकसान संभव है। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। यहां भाजपा कुल 42 सीटों में से 26 से 31 सीटें मिलने के आसार है। ओडिशा, तेलंगाना में भाजपा दोगुनी सीटें बढ़ा सकती है। देखिए, पहले दिन से ये तो तय था कि हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस और एनडीए गठबंधन को नकार दिया है और ये प्रधानमंत्री जी के प्रति देश का विश्वास है, और ये तो होना ही था। अब तो अभी 4 तारीख के बाद पूरी कांग्रेस और एनडीए गठबंधन ईवीएम पे भांडा फोड़ेगी कि साहब ईवीएम में ये था वो था, लेकिन कुल मिला के इस देश की जनता प्रधानमंत्री जी पे आस्था और भरोसा रखती है। उनके काम को उन्होंने स्वीकारिता दी है और विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया था उसके भरोसे के आधार पर जनता ने आशीर्वाद दिया। साहब वो कुछ भी कहते रहे, आप तो खुद देख रहे हैं, आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिए के क्या होने वाला है। आपको भी मालूम है इस देश की जनता का रुख मोदी जी की तरफ था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, भारतीय जनता पार्टी के कामों की तरफ था, और वो चाहती है कि हिंदुस्तान पुनः विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने, उस हित में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी के बीच कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों के साथ बैठक की। दिल्ली स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक की अध्यक्षता की है। सभी लोकसभा उम्मीदवार वर्चुअली बैठक में जुड़े। बैठक में 4 जून को काउंटिंग के दिन की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की गई है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल के अनुमानों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि 4 जून को स्पष्ट परिणाम जनता के सामने होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा का कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बता रहे थे, लेकिन परिणाम उसके ठीक विपरीत आए। इसी तरह से कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर एग्जिट पोल ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं थी। इससे साफ जाहिर है कि यह सिर्फ संभावना है, जबकि हकीकत इसके विपरीत है और इंडिया गठबंधन 4 जून को देश में सरकार बनाने जा रही है। देखिए, एग्जैक्ट पोल तो एग्जैक्ट पोल है और इस तरह के एग्जैक्ट पोलों की ये कोई आश्चर्यचकित नहीं है, तो संभावना थी, क्योंकि जितनी चरण चुंबक हैं प्रधानमंत्री जी और सरकार को किस तरीके से खुश कर सकें ये तो 3-4 दिन का बात है। मैं समझता हूँ कि एग्जैक्ट पोल अगर ये धरातल पर सच्चाई होती तो इसका मतलब बेरोजगारी नहीं होती, महंगाई नहीं होती, किसानों के अत्याचार और आत्महत्या नहीं होती, मणिपुर पर नग्न अवस्था में एक हमारी बहन घूमती है और प्रधानमंत्री की चुप्पी होती है। इस तरीके से जो ज्वलनशील मुद्दे हैं और 5 न्याय की बात जो कांग्रेस पार्टी ने की, मैं समझता हूँ उस पर नीचे तक उसका असर है। और जब 4 तारीख को एग्जैक्ट फिगर आएगा, अभी तो एग्जैक्ट पोल है, तो वो शायद पिछले एग्जैक्ट पोलों की तरह परिवर्तित होगा। जैसे विधानसभा चुनाव में कर्नाटक और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे थे एग्जैक्ट पोल, ऐसा ही एग्जैक्ट पोल आज है। जब सरकार बनेगी तो एनडीए इंडिया गठबंधन की सरकार बहुमत छुएगी और सरकार मोदी की सरकार हटेगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं, उससे पहले एग्जिट पोल सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पर इस एग्जिट पोल पर कांग्रेस का कहना है कि एग्जिट पोल सब ध्वस्त हो जाएंगे और 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और
कांग्रेस और इंडिया अलायंस 295 प्लस सीटें जीतेंगी। अगर देखा जाए आकलन करके तो नॉर्थ के स्टेटों में बीजेपी हावी है, तो वहीं साउथ के कुछ राज्यों में कांग्रेस अधिक से अधिक सीटें जीत सकती है। पर देखने वाली बात यह होगी क्या यह एग्जिट पोल परिणाम में परिवर्तित होते हैं, इसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शाहिद खान के साथ रंजन भगत, भोपाल।